दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। शुक्रवार की सुबह से ही गर्मी सताने लगी, जिसका सिलसिला अभी तक बरकरार है। लेकिन आज मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिल सकती है, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली NCR में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की संभावना जताई है। इससे बढ़ा हुआ तापमान अगले 3 दिनों में कम होकर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार के लिए तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 92% व न्यूनतम 55% रहा, जिसकी वजह से गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। पालम में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38, लोधी रोड में 37.2, रिज इलाके में 36, जफरपुर में 35.1, मुंगेशपुर में 33.9, नरेला में 34.5, नोएडा में 36.6 व पीतमपुरा में 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को लेकर भी बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन दिन में बीच बीच में बादल और सूरज के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहा और अंत में बादल बिना बरसे ही चले गए। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में तेज हवा चलने के साथ तेज बारिश हो सकती है, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बता दें कि दिल्ली में इस बार मॉनसून बीते 19 सालों में सबसे देरी से पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।